खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा में लगभग 200 करोड़ रुपए की नर्मदा जल योजना फेल होने पर सीएम तक ने मुहर लगा दी। अब बूढ़ी सुक्ता पेयजल योजना को ही जवान बनाकर 9 करोड़ रुपए में लिपापोती की। नई योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर गए। उन्हें शायद यह नहीं बताया गया कि भगवंत सागर बांध से 30 किलोमीटर तक पेयजल को नदी नालों में बहाकर जसवाड़ी लाया जाएगा। क्या यह अशुद्ध जल हाइजेनिक होगा? उसके बाद की पाइपलाइन डल रही है। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री और खंडवा के विधायक रहे कांग्रेसी भगवंत राव मंडलोई की देन थी। मतलब 65 साल पहले योजना कारगर की गई थी। उनकी सोच ऊंची थी, भ्रष्टाचार का पैमाना नहीं के बराबर था। लेकिन इस बार तो 200 करोड़ रुपए लगभग पूरे ही डकार दिए गए। किसी एक पर भी FIR तक नहीं हुई। मामला ऊपर तक कैसे ही मिला होगा, आप खुद समझ सकते हैं। कुल मिलाकर नर्मदा जल में करोड़ों खर्च के बाद भी सुक्ता से प्यास बुझाई जाएगी। मतलब विकास का मॉडल भगवंत राव मंडलोई का ही अच्छा है। यही वजह है कि सुक्ता परियोजना इतने सालों बाद भी शहरवासियों की प्यास बुझा रहा है। जो योजनाएं विकास के मॉडल को दिखाएगी, वह भी आधी अधूरी बीच समुन्दर में गोते खा रही है। लोकसभा के उपचुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए दोनों ही प्रमुख दल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले निर्वाचन आयोग के नियम जरूर राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ाई हुई है। यही वजह है कि आदर्श आचार संहिता से पहले आम जनता को साधने के लिए राजनेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच बेरोजगारी, महंगाई, खाद्य पदार्थों, पेट्रोल डीजल, टैक्स जैसे मुद्दों पर आम जनता की आवाज को शब्दों को गढ़कर तीर चलाने के लिए तैयार है। अधूरी योजनाएं कब पूरी होंगी? चुनावी वादों में घोषणाओं का पिटारा तो राजनेताओं द्वारा मंच से दे दिया जाता है, लेकिन स्विमिंग पूल, रिंग रोड, बाईपास, ट्रांसपोर्ट नगर, रेलवे बाड़गीच लाइन, तीन पहिया का नया ब्रिज की सौगात सपने से कब हकीकत में बदलेगा? युवाओं को रोजगार देने के लिए भावसिंहपुरा ग्रोथ सेंटर पर कब उद्योग लगेंगे? विकास का पहिया जिले को कैसे आगे बढ़ाएगा? यह भी अधूरा ही है। तीन क्विंटल करिए।